Hey, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन आउट देयर ऑन द अदर साइड. आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं. यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग प्रीटी फाइन, प्रीटी वेल. तो सर, नाउ डेट शीट्स आपके आ चुकी हैं. टुडे हमको पता चल चुका है सर, 26th ऑफ अप्रैल आपके बोर्ड एग्जाम्स शुरू हैं. एज वी वर ऑलरेडी डन विद द सिलेबस, सो वट वी हैव डिसाइडेड कि सर हम लोग क्यों ना एक वन शॉट रिविजन सीरीज शुरू करें. ओके, इस रिवीजन सीरीज में सर आपने जो कॉन्सेप्चुअल पहले पढ़ाई थी उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करना चाहें तो बेटा, आई वुड लाइक टू से दिस थिंग ओनली कि ओके, जो कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया गया था वो आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ाया गया था, राइट? बट यू डोंट नो हाउ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट. आपको क्या क्या आंसर करना है, हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, राइट सर, बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज दिस कि आपके इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सर सेग्रीगेट अलग अलग पढ़ने की बजाय हम लोग कंबाइंड एक ही तरीके से पढ़ेंगे. ओके, और अगर आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, लाइक आपका एग्जामिनेशन पैटर्न अभी चेंज हुआ है, लाइक इन टर्म टू यू विल बी गिविंग सब्जेक्टिव एग्जाम्स. ओके, देन सर देर आर 5 1 मार्क क्वेश्चन, क्लियर? देन देर आर सर 3 2 मार्क क्वेश्चन, क्लियर? देन सर देर आर 2 case study questions, that is like the case based study. Okay, वो सर आपके पास 2 questions आएंगे, there will be 2 paragraphs, and number 4 is सर 4 marks का एक paragraph आएगा. आपको basically paragraph पढ़ना है and you have to rewrite your own thoughts, your own beliefs, perceptions, right? In the desired language. इसके बाद सर आपके पास 3 questions map के आते हैं. Okay, 3 map questions is there, they will be there. और सर 2 question 5 mark के हैं. 2 questions are of 5 marks each. Clear? तो basically हम लोग किन पे focus करेंगे sir? We will be focusing ourselves on like the 3 mark question and the 5 marks question. Clear? Sir, हम इनके ऊपर बात करेंगे क्योंकि बेटा अगर हम लोग question bank बनाने में चल पड़े, अगर हमने एक एक question के marks पर focus किया, then I guess there will be plenty of questions. मैं guarantee करता हूँ कि 70-80 questions मैं बना सकता हूँ chapter से, apart from CBSE, right? सो सर, हम बेसिकली अपने आपको इन 2 concepts के ऊपर, इन 2 questions के ऊपर फोकस करेंगे. वी विल स्टडी, वी विल डिस्कस कि सर हाउ टू आंसर प्रॉपरली. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर द अटेम्प्ट, जो हम कहते हैं सर क्या, दैट सर पेपर अटेम्प्टेशन इज एन आर्ट. क्लियर? तो आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने काफी देखे थे, इवन माई क्लासमेट्स आर यूज टू बी लाइक दिस. क्या होता था कि उनको जो आता था सर हम वो लिखेंगे, ठीक है? आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमें जो आता है हम वो सब लिख के आएंगे. दिस इज नॉट हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स एक्चुअली. और आज लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड दे एक्चुअली टोल्ड मी दिस थिंग कि सर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क्स सिर्फ एक बार ही लिखे जाते हैं, राइट? डजंट मैटर मैंने 12th में कितना अच्छा परफॉर्म किया था, मैंने 10th में कितना अच्छा परफॉर्म किया था. एवरी सिंगल टाइम जब मुझे एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, लाइक फॉर एक्स वाई जेड रीजंस, तो जब मुझे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने होते हैं ना, लाइक आई हैव टू सेल्फ अटेस्ट द डॉक्यूमेंट्स एंड यू नो जस्ट अटैच देम, तो मुझे फील होती है कि यार कहीं ना कहीं शायद 12th में, क्योंकि 10th में माय स्कोर वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट 10. ओके, तो कहीं ना कहीं सर ये रीस, ये कसक रह जाती है दिल में कि काश हम लोग थोड़ा और अच्छे से मेहनत कर चुके होते तो शायद ये डिजिट्स चेंज हो जाते, राइट? तो जो भी आपको ये कह रहे हैं कि सर 10th की सर्टिफिकेट क्या काम आती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मापने काम आती है, इट इज इन लाइक एब्सोल्युट प्रूफ, देन दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग यू, दे आर जस्ट होवरिंग यू ओवर यू. क्लियर? क्योंकि चीजें आपकी सर्फ सर्टिफिकेट्स डिसाइड नहीं करती, उनके सर्टिफिकेट्स के जो मार्क्स, the two decide your fate, the two decide your future, कि आपका पहला impression कैसा होगा. Okay, so I guess हमने आसपास की बातें काफी कर ली हैं, and now we will be shifting ourselves, we will be moving ourselves to the concepts, to the chapters. Clear? तो सर इसी के साथ हम शुरू करते हैं, that हमारा one shot revision series, we have already started it in our free classes, now it's the YouTube series. तो हम चाहते हैं कि सर जो चीज हम अपनी free classes में provide करवा पा रहे हैं, हम उससे एक level और advanced जाकर आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान बना सके, right? So are you guys are excited, right? Hi Fame, हाय सुबुल, रोजेज आर रोजी, हाय रोजी, हाय बेटा, आई होप एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू इज डूइंग प्रीटी वेल. तो चल शुरू करते हैं, और शुरू कैसे करेंगे, लेट मी जस्ट गेट यू. सर हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी में चीजें दे रखी है, ताकि आपको कोई भी चीज होच पोच ना लगे कि सर ओके ठीक है, एक पोर्शन ये यहाँ है, दूसरा पोर्शन यहाँ है. द अदर थिंग सर, वी वॉन्ट बी यू नो जस्ट डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी वर्ड. सर हम लोग होवर करेंगे, we will take a brief overview, we will discuss the points worth discussing, okay? And then इस तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है? तो चलिए सर शुरू करते हैं बेटा. Now, सर सबसे पहला चैप्टर तो यही आता है, like हमारे चैप्टर का नाम है that lifelines of national economy. तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि सर what are lifelines actually? हम lifelines कहते हैं किनको है, किनको count करेंगे, what are
देयर सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, वाई आर दे सो इंपॉर्टेंट टू अस, क्लियर। अब इस बात के ऊपर सर अगर आपके पास क्वेश्चन बनना चाहें देन देर आर टू क्वेश्चन, क्लियर। सबसे पहला कि सर वाई आर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ ए कंट्री, क्लियर। कि सर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को किसी देश की लाइफ लाइन मतलब उस देश की इकोनॉमी की आर्टरियोज वेन्स क्यों कहा जाता है, वाई आर दे सो डिफाइंड एज डेजिग्नेटेड लाइक दिस, क्लियर। कि सर उनको इतना इंपॉर्टेंट करार क्यों दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहीं शुरू होता है दैट सर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कंपेयर टू द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ बॉडी, इसको कहा जस्टिफाई, क्लियर। तो आई गेस इट्स नॉट दैट हार्ड एंड फास्ट रूल सर, हम इनके साथ चीजें क्लियर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग। अब सर हम शुरू करते हैं दैट सर व्हाट आर लाइफ लाइन्स एक्चुअली, क्लियर। कि सर लाइफ लाइन्स है क्या, लाइफ लाइन्स लिटरली मीन्स एज अ सपोर्ट सिस्टम, क्लियर। तो सर हम अपना पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन यही था बेटा कि सर व्हाई आर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड लाइफ लाइन्स ऑफ ए कंट्री। तो लाइफ लाइन्स मीन्स हम इनको किसी देश का सपोर्ट सिस्टम क्यों मांगते हैं, व्हाई। तो सर रीजन नंबर वन, दे ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री एंड दे ऑल्सो सपोर्ट एग्रीकल्चर, क्लियर। क्योंकि सर एग्रीकल्चर बूम करेगा जब भी एक अलाइड एक्टिविटी उसको और इंपॉर्टेंस देगी, उसको और गो थ्रू प्रोवाइड करवाएगी चीजें, क्लियर। दूसरा सर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे सपोर्ट ट्रेड, ओके। थर्ड इज सर दे आर द बेसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि सर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं सर वीकनिंग ऑफ बैरियर्स, कि सर देशों के बीच में जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी उनके थ्रू दैट इज लाइक द ट्रांस बाउंड्री सेल परचेज बाइंग एंड एक्सचेंज, क्लियर सर ये चीज हो रही है। लेकिन ये चीज किसकी वजह से हो रही है, इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, क्लियर। अगला है सर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दे आर अ बैकबोन टू टूरिज्म। लास्ट सेकंड दैट इज द डिफेंस, एंड इससे अगला है सर द नेशनल इंटीग्रेशन। इन सब चीजों की वजह से हम ये मानते हैं कि सर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर एक्चुअली द सपोर्ट सिस्टम्स ऑफ इंडिया और एनी कंट्री और एनी नेशन, राइट। नाउ सर ये जो रेड हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं दे विल बी लाइक द वर्थ डिस्कसिंग। सर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है क्या, मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एंड द लास्ट पार्ट सर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर प्रीरिक्विजिट फॉर फास्टर डेवलपमेंट। मतलब सर अगर आपको आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है, अगर आपको इकोनॉमी बूम करनी है, देन देर आर टू प्रीरिक्विजिट। सर ये चीजें आपको पहले चाहिए ही चाहिए होंगी। और ये दो प्रीरिक्विजिट क्या है सर, सबसे पहली ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं कि सर आपको सामान भेज रहे हैं वो सामान दो महीने के बाद पहुंच रहे हैं, नो, फास्ट फ्लूइड एफिशिएंट लूसिड ट्रांसपोर्टेशन। एंड सेकंड वन इज सर कम्युनिकेशन। नाउ दिस कैन बी पर्सनल कम्युनिकेशन, दिस कैन बी मास कम्युनिकेशन, दिस कैन बी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट सो एवर इट इज। सर ये दो चीजें जरूरी है दैट विल एक्चुअली गिव यू अ बूस्ट आपकी इकोनॉमी को, आपकी कंट्री को, आपके कह सकते हैं सर जो गोफ्लो हो रहा है मार्केट में, राइट। दे विल गिव यू इट अ बूस्ट, राइट। यहां तक चीजें क्लियर हुई। नाउ बेटा दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कल को आपके पास कहीं भी क्वेश्चन आता है दैट सर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस, या फिर हमारे पास पहला क्वेश्चन था दैट सर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कंपेयर टू द वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ आर बॉडी। तो सर मतलब जो इंपॉर्टेंस, जो प्लेस वेन्स एंड आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर होल्ड करती हैं, द सेम प्लेस द सेम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल। क्लियर हुई चीजें यहाँ से। चलिए सर दिस विल बी द सिग्निफिकेंस, एंड डोंट वरी यू डोंट हैव टू राइट मच, दीज आर लाइक सर फाइव क्वेश्चंस। अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट द 5 पॉइंट्स, अदरवाइज 3 मार्क्स में आता है देन राइट 3 ओनली। क्लियर है, राइट। सो सर दिस स्लाइड विल बी ऑलवेज विद यू, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन यू कैन राइट द सेम थिंग इन योर पेपर। मैं आपको ये नहीं कह रहा, लेट मी जस्ट क्लियर आउट फ्यू थिंग्स फर्स्ट। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सर आपको क्रैम करना है, आपको रटना है चीजों, फिर आपको रटी रटी चीजें लिखनी है, नो। आपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले ली थी, ओके सर, जिन कॉन्सेप्ट्स को जितनी क्लैरिटी के साथ, जितने एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा था, यू आर जस्ट लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट देम इन एग्जाम, ओके। सो डोंट थिंक टू मच, डोंट गो हार्ड एंड फास्ट, थिंग्स विल ऑल बी रेडी, क्लियर। चल बेटा दिस इज लाइक सर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाए कि सर हाउ एंड वाई वी आर एक्चुअली क्लासिफाइंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सर सबसे पहले तो ये कि ओके व्हाट मोड दे आर ऑप्टिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सर आर दे ऑप्टिंग फॉर द लैंड रूट, द सी रूट, द वाटर रूट और द एयर रूट, ओके। चलिए सर इसी के साथ सर हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द रोडवेज, सेम गोज विद रेलवेज, देन पाइपलाइंस, देन इंटरलैंड वाटरवेज, देन सर इनलैंड वाटरवेज, लाइक द इंटरनेशनल ट्रेड, देन डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, ओके।
देन सर हम इन चीजों के बारे में इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं, राइट। चलिए सर शुरू करते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, देन द रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ वेरी फास्ट पेस, एट अ वेरी फास्ट रेट, बट स्टिल सर रोड डेंसिटी काफी लो है। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द फिजिकल टोपोग्राफी, ओके, दैट माइट बी द कॉज ऑफ कि सर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, राइट। नाउ सर रोड्स हैव एन एज ओवर रेलवे, और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर, सर हम किसके कंपैरिजन में डिस्कस कर रहे हैं, सर रेलवेज के, राइट। सो बेटा ये चार पॉइंट्स एंड द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बेटा वो चीज आपकी क्लियर करेंगे, आपकी कॉन्क्रीट करेंगे दैट व्हाई रोडवेज आर ऑलवेज प्रीफर्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस फॉर लेसर नंबर ऑफ पीपल, राइट सर। दीज विल ऑल बी द रीजंस, आई वोंट गो एंड डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम, यू जस्ट हैव एन आइडिया, यू कैन जस्ट कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास चीजें हमेशा रहे, ओके। सो डोंट गो हियर एंड देयर ओनली, राइट। चलिए बेटा, नाउ दीज आर ऑल द पॉइंट्स, नाउ यू डोंट हैव टू राइट ईच वन ऑफ देम, यू डोंट हैव टू रिमाइंड एंड लर्न ईच वन ऑफ देम। सर बेसिकली आपके पास आपकी लिमिट क्या है कि सर आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स ईच, तो बेटा आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सर 5 मार्क्स के जितना ही लिख पाएंगे ना, यू डोंट हैव टू राइट मच, यू डोंट हैव टू राइट लेस, ओके। सो यस दिस विल बी द थिंग फॉर यू। और सर अगर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, हमने एडवांटेजेस डिस्कस की थी, देन सर डेज आर द डिसएडवांटेजेस एज वेल, ताकि आपके पास रोडवेज का, रोड नेटवर्क का एक कंप्लीट कंक्रीट क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपके पास रहे हमेशा। दिस इज माई एफर्ट, ओके। तो सर हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रोड रेलवेज। सर रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट, क्लियर, इज कम्पेयर टू डिमांड एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। जितना डिमांड, जितना ट्रैफिक हमारे यहाँ वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हम ट्रैफिक की ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके कंपेरिजन में सर हमारे पास रोड नेटवर्क की जो डेंसिटी है, जो लेंथ है, वो इनएडिक्वेट है, दैट इज नॉट सफिशियंट। क्योंकि सर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए हमें और भी ज्यादा रोड स्ट्रेंथ चाहिए, ओके ओके। हैशटैग रूडीज विद अस, हेलो बेटा कैसे हो, ऑल गुड। चलिए सर दूसरा पॉइंट, सर द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द रोड्स इज वेरी पुअर, फर्स्ट थिंग। थर्ड इज सर दे आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, बिकॉज सिटीज आर लाइक द अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन, सर वहां पॉपुलेशन रहेगी। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी सर, उनको ज्यादा ट्रेवल करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को ट्रेवल करवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें रोडवेज की सर एक तो हमें लेंथ ज्यादा चाहिए, दूसरी हमें उनकी विड्थ भी ज्यादा चाहिए। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन सिटी ऑब्वियसली, क्योंकि सर सिटी सेंटर में जाके आप जो ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, आप उनको तोड़ के ये तो नहीं कह सकते कि सर हमें यहाँ से रोड पास करना है, तो सो प्लीज डेमोलिश देम, राइट। एंड दैट्स वाई सर रोड की जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो अपने आप छोटी हो ही जाती है, दैट वाइज दे आर मोर कंजेस्टेड इन सिटीज। नेक्स्ट इज सर मोस्ट ऑफ द हाईवे दे साइड एमिनिटीज, लाइक सर हाईवे जो हमारे हैं ऑब्वियसली दे आर ऑन गुड स्केल, दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, लेकिन सर जो साइड एमिनिटीज चाहिए होती हैं, आप फॉरन जाएंगे, आप फॉरन के मोटोलॉग्स चेक करेंगे, रोडोलॉग्स चेक करेंगे, यू विल गेट टू नो दैट सर ओके एवरी डेफिनेट इंटरवल उनके पास एक पुलिस पेट्रोलिंग रहेगी हमेशा, ओके। देर विल बी साइड एमिनिटीज, जैसे सर देर विल बी टेलीफोन बूथ्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, देर विल बी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, एंड देर विल बी पुलिस स्टेशन एज वेल। और अगली डिसएडवांटेज जो है हमारी रोडवेज के लिए, दैट इज सर दे आर ऑफ पुअर मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस पुअर होती है, दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर, क्लियर हुई चीजें। तो सर ये हमने डिस्कस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस साइड बाय साइड, ओके। चलिए सर दिस इज द क्लासिफिकेशन कि सर हमने किस किस बेस पे क्लासिफाई किया है। पहले हमने क्लासिफाई किया बेटा उनकी कैपेसिटी के बेस पे, उनके बेसिस ऑफ कैपेसिटी कि सर ये रोड, ये लेंथ, ये नेटवर्क कितनी कैपेसिटी, कितना पेलोड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया, हमने डिफाइन किया, हमने क्लासिफाई किया सर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, कि ये जो रोड बना हुआ है बेटा, इस रोड का मटेरियल है क्या, सर आखिर ये रोड बना हुआ किससे, गॉट इट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दीज आर ऑल लाइक द क्लासिफिकेशंस जो हमने कैपेसिटी और सिग्निफिकेंस के बेस पे की। सर दिस इज लाइक द गोल्डन क्वाड्रेंटल, दीज आर लाइक द नेशनल हाईवेज, यू कैन जस्ट सी सर फोर लेन रोड्स, क्लियर, दे आर लाइक द स्टेट हाईवेज, यू गाइस ऑल नो कि सर जो स्टेट कैपिटल को स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं, दे दोज रोड्स आर कॉल्ड एज स्टेट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, यू गाइस ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। नाउ we will briefly look into ki sir what are golden quadrilateral, what are super highways, what are national highways, what are state, what are district, what are other, and what are the border roads. Basically you guys all know, aur inme se shayad ek mark ke liye question aapke paas kam hi puche jaye, so obviously we also won't pay more attention to these things, these details, clear. Chaliye sir beta this is like the golden quadrilateral super highway, briefly abbreviated, clear. You guys can see, you guys can pause the video, you guys can take the screenshot, and you guys just can learn it by heart and just write it down in the paper.
और यकीन मानिए कि जब आपके लिए एग्जाम्स मैटर करते होंगे, जब आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, व्हेन दे विल बी जस्ट रिप्रेजेंटेड इन योर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यू गाइस विल बी फीलिंग लाइक कि ओके पता नहीं हमें क्या ही मिल गया. ओके सो दिस इज द थिंग, राइट गाइज. चलिए सर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. दीज आर द नेशनल हाईवेज. ऑब्वियसली जो आपकी नेशनल हाईवेज की रिनेमिंग हुई है उसके बाद आपके एनसीईआरटी में डेटा अपडेटेड नहीं है, बट ओके नाउ NH7 इज नॉट द लॉन्गेस्ट, इट इज लाइक द NH44 नाउ. ठीक है सर, दिस इज द लॉन्गेस्ट हाईवे. और मैं आपको अगर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी सर, आप कैसे याद रखेंगे कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, मार्क आ जाता है कि सर मार्क कीजिए कि ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यू रीनेमिंग स्किल, बेटा जो भी हाईवे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करेंगे दे विल बी ऑफ ओड नंबर ऑलवेज, क्लियर. लेकिन जो हाईवे नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ बेटा जो ट्रेवल करेंगे दे आर गिवन इवन नंबर्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया कि सर NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ दिस कंट्री, देन सर NH44 इज रनिंग फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी. ओके समझ में आ रही चीजें. तो सर ये वाराणसी टू कन्याकुमारी ऐसे आ रहा है, क्लियर है. तो सर इसको हमने नाम दिया दैट इज सर इवन. ओके सो यस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज द थिंग. गॉट इट गाइस. चलिए नाउ सर दीज आर द स्टेट हाईवेज briefly described as the road linking a state capital with a district headquarter. District roads are those, sir, those roads connect district headquarter with other places of the district. Clear? Sir, they are maintained by Jila Parishad. State highways ki baat kare, then they are maintained by State Public Works Department or SPWD. Clear? Now, sir, they are like other roads or village roads basically made or built under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Clear? Last mein aate hai, sir, border road organization. लास्ट टाइम अगर हम पूछे आप सीबीसी का सैंपल क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, सो सर उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि सर व्हाट आर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस. क्लियर. सो सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेटा आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं एज फार एज मच यू कैन रिमेंबर. ओके एंड वी विल डिस्कसिंग देयर सिग्निफिकेंस लेटर इन द स्टडी एज वेल, राइट. तो सर हमने क्लासीफाई कर लिए रोड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस. सर हमने इन दो बेसिस के ऊपर रोड्स को डिवाइड किया, हमने उनको सिक्स टाइप्स में क्लासिफाई किया, हमने ब्रीफली उनको देखा कि सर ओके व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस. नाउ इट इज ऑन द अदर टाइप कि सर हाउ एंड इन व्हाट इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर रोड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड और मटेरियल बेस्ड. क्लियर है चीजें, राइट बेटा. चलिए सर यू कैन सी वन इज मेटल रोड व्हाइल दीज आर ऑल द अनमेटल रोड्स. क्लियर. ये आप कह सकते हैं सर ये ऑल वेदर्ड रोड है, ऑल वेदर्ड सर मोटरेबल रोड, मतलब आप इसको किसी भी मौसम में किसी भी कंडीशन में आप इस रोड को यूज कर सकते हैं. क्लियर, समझ में आ गई चीजें, एवरीथिंग गोइंग फाइन बेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ सर व्हाट इज अ रोड डेंसिटी, देन रोड डेंसिटी इज सर लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. मतलब सर मान लीजिए हम एक स्क्वायर लेते हैं ईच हैविंग साइड 100 किलोमीटर. ओके तो सर ये जो 100 किलोमीटर 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसके अंदर जितनी लेंथ में ये रोड ट्रेवल करेगा उस लेंथ को बेटा हम कहते हैं क्या सर रोड डेंसिटी. गेटिंग इट. तो सर ये उस चीज की बात होती है. गेटिंग इट, समझ में आ रही चीजें. अब दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रोडवेज, द प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवेज या फिर आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं दैट जो हमने ब्रीफली डिस्कस की थी पहले चीजें. Now they are detailed, discussed in more detail. For example, sir, आपका question आ जाता है 3 marks, sir, describe the disadvantages of roadways. आप इनमें से कोई भी 3 point लिखिए and you will be getting full marks. Basically, आपको paper attemptation लाना चाहिए. I'll be taking a separate class over that as well. So don't worry, guys. Clear है? Now, हम आगे बढ़ते हैं sir. From roadways, sir, we have come till railways. Now, when you will be just going over this stuff, then आपको पता चलेगा कि सर ओके दिस इज द थिंग, राइट. कैसे सर? बेटा यहां से आप इसके सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवेज. क्लियर सर. बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्टरी 1 or 2 lines आर मोर देन इनफ. दैट इज सर रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट दैट इज द लोड कार्गो एंड पैसेंजर्स इन इंडिया. बिकॉज सर जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स जितनी क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स इंडियन रेलवेज कम्यूट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इट इज लाइक अनमैचेबल अनबीटेबल. ओके अब बेटा दीज आर ऑल्सो द सिग्निफिकेंस कि सर ओके व्हाई रेलवेज इज सो सिग्निफिकेंट.
That's why these are significant because railways support tourism. Railways connect industrial production centers. Railway facilitates agricultural development. Matlab it boosts. Fourth one is, sir, it provides employment in organized sector. That is like the 6%. And that is like too much. हमारे बेटा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है रेवेन्यू हमारा उसका 1% अकेला कौन कंट्रीब्यूट करता है दैट इज लाइक इंडियन रेलवेज सो यस इट इज अ बिग थिंग इंडीड क्लियर समझ में आ रही चीज है चलिए सर आगे बढ़ते हैं मूविंग ऑन आगे सर दिस इज द थिंग सर रेलवेज इज काइंड ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग क्लियर हुई चीज है नाउ दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री History of railways and its significance. कि how railways rose to its present routes, present heights. कि सर रेलवे को अपनी जो अभी इसकी हालत है राइट जिस कद को ये एंजॉय कर रहा है कि सर ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन चुका है ये चीजें कैसे यहाँ तक पहुंची सर सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन दैट इज लाइक सर फ्रॉम बॉम्बे टू थाने दैट इज लाइक द कमिंग डिस्टेंस ऑफ वॉट सर 34 किलोमीटर्स क्लियर तो बेटा 1853 से नाउ वी आर लिविंग इन ईयर 2022 तो सर यहाँ से यहाँ तक का जो सफर रहा था रेलवे का जिस तरीके से इसने एक्सपेंड किया जितने तरीके से खुद को ओके चीजों से आगे निकाल के लेके आया भाई दैट इज लाइक द वर्थ मेंशनिंग ओके सो यस सर दिस इज ऑल द थिंग नाउ सर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे कि सर हम टाइप्स ऑफ गोज गोज इज बेसिकली द डिफरेंस और द लेंथ ऑफ फुट जो पार्सल्स वो ट्रैक्स के बीच में बिछाते बेटा लाइक द स्लीपर्स तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो क्लासिफाई करते कि ओके व्हाट टाइप ऑफ रेलवे गोज इज दिस बेसिकली वी हैव थ्री जो ब्रॉड रेलवे गोज है दैट इज लाइक ऑफ हाई सिग्निफिकेंस ऑफ हाई कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक क्लियर तो बेटा वहां एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में कितना डिफरेंस होता है दैट इज लाइक 1.676 मीटर सेकंड वन इज मीटर जहां सिर्फ और सिर्फ एक मीटर का डिफरेंस होता है द स्टैंडर्ड वन थर्ड वन इज सर नैरो गोज वेयर द रेंज फ्रॉम सर 7.62 क्लियर एंड 0.0610 बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बेटा आपने कभी ये चीज सोची होगी दैट इज सर हिमालयन जो हमारी टॉय ट्रेन है ओके टॉय ट्रेन रनिंग फ्रॉम सर कालकाजी टू शिमला बेटा दिस इज लाइक द ब्रिलियंट एग्जांपल द हेरिटेज ट्रेन दैट इज लाइक द ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ नैरो गेज वो नैरो गेज की ट्रेन है बेसिकली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ लाइक शॉर्ट डिस्टेंस 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है उनको क्लियर यस सर अराफत अहमद शाह इज अवर दस गुड इवनिंग अराफत ओके यू आर प्रेजेंट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस राइट यस और अग्रवाल से पूछता है कि सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज देन सर दीज आर द बेनिफिट्स फर्स्ट दे हैव अ लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट सेकंड सर दे हैव लेस टाइम कंजम्पशन एज इन कंपेयर टू रोडवेज और वाटरवेज और रेलवेज क्लियर थर्ड इज सर इट इज मोर कन्वीनियंट फोर्थ फ्यूल एफिशियंट Fifth is they can carry more capacity and sixth one is sir it is more speedy in nature. Basically अगर आपको कहूँ कि सर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना है और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको बाय रोड ट्रेवल करना है obviously and every single time train will reach faster. Okay? Railways will always reach faster. Getting it? So yes sir this is the thing बेटा. Right? चलिए सर आगे बढ़ते हैं. Moving ahead. चलिए. This is like the railway zone map. Here you can guys see, sir, okay, in how many zones our railway network is described, is classified. And basically, if I tell you the truth, okay, recently the Kolkata Metro and the Delhi Metro, they are also classified as the railway zones. Okay, Kolkata Metro was quite early. Kolkata Metro has been like the 5 to 6 years now. Right? So, sir, this is the thing. Clear it? Samajh mein aa rahi cheez hai sari? Chali, sir, aage badhte hain. Beta, here you can see, this is like, The broad goes. You can see the difference between the tracks of the train. Clear? So, sir, ये जो sleeper की length है, clear? बेटा ये length कितनी होगी broad gauge में? 1.676. यहाँ पे बात आती है बेटा meter gauge की. That is, sir, the distance between the these two tracks is 1 meter only, and this is like the narrow gauge. Okay? समझ में आ रही चीज़ें? Okay. This is like the Alisha Khan. Hello, बेटा. कैसे हो? All doing good? सब सही चल रहा है चलिए अलीशा आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कि सर व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज या फिर रेलवे अगर किसी जगह पर ज्यादा कंजेस्टेड है किसी जगह पर बिल्कुल नहीं तो सर उसको डिफाइन करने के फैक्टर क्या क्या है उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या है दीज आर ऑल डिस्क्राइब्ड हियर फर्स्ट इज सर टोपोग्राफी
सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज सर एडमिनिस्ट्रेशन. आपके लिए सब चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है. ओके सो यू गाइस कैन सी सर 5 points फॉर टोपोग्राफी, 5 points फॉर इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड देयर लाइक द 2 factors फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. अब बात आती है सर डेवलपमेंट इन रेलवे. अगर आपके पास 3 marks पे क्वेश्चन होता है कि डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, यू गाइस जस्ट हैव टू राइट दिस मच ओनली. दीज आर द 4 basic points. ओके एंड द इंट्रोडक्टरी लाइन कंक्लूड आपको ही करना है. एंड मार्क माई वर्ड्स, यू जस्ट कांट राइट द आंसर इन मोर देन 80 words. सो अगर एक इंसान एक लाइन में बेटा मान लीजिए कि 7 या 8 words भी लिखता है, ओके ही बेसिकली जस्ट हैव टू राइट 10 lines ओनली. एंड आई गेस इट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर. क्लियर? इतना तो आप लोगों से उम्मीद रखी जा सकती है कि एटलीस्ट यू गाइस विल बी डूइंग दिस मच. तो ठीक है चीजें. चलिए सर आगे बढ़ते हैं. नाउ अब बात आते हैं सर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ रेलवेज. क्लियर है? वी विल स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर द 7, 8, 9, 10, 11. द 11 drawbacks. एंड आपको कितने लिखनी है? मैक्स टू मैक्स 3 to 4. दैट्स इट. एंड यू आर डन विद दिस थिंग. यू आर डन विद दिस चैप्टर. वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट. यू विल गेटिंग फुल मार्क्स. बेसिकली मेरा, मैं फुल मार्क्स को बार बार इतना तरजीह इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे भी सर्टिफिकेट्स में मार्क्स लिखे बड़े अच्छे लगते हैं. एंड आई विल विश कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग हैं, ओके यू गाइज गॉट फुल आउट ऑफ फुल, ताकि एक परफेक्शन की जो ललक होती है ना कि यस वी अचीव द परफेक्शन, आपको वो मिले. राइट नाउ सर व्हाई आर रोडवेज बेटर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. द 7 points. दिस इज लाइक द एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज. क्लियर? तो अगर आपको वो चीजें वहां उस स्लाइड से नहीं देखनी है, यू कैन जस्ट कैन क्लियर कट इट आउट. यू गाइस कैन हैव अ स्क्रीनशॉट. ओके चलिए बेटा, नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट आवर अटेंशन टुवर्ड्स द पाइपलाइंस. अब पाइपलाइंस सर कहने को तो एक अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन बेसिकली आपके एनसीईआरटी ने इसको लैंड और कह सकते हैं सर आप लैंड रूट से जोड़ा है. व्हाई? बिकॉज सर मोस्टली पाइपलाइंस आर लेड ओवर द लैंड. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दे आर नॉट अंडर वाटर, बट यस दे आर ओवर द लैंड एज वेल. अब सर स्टार्टिंग में इनका यूज किया गया था वाटर सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस का, बट नाउ दे हैव द अदर यूज एज वेल. फर्स्ट सर टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस, सेकेंड वन इज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम, थर्ड वन इज टू ट्रांसपोर्ट द क्रूड ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, फ्रॉम द ड्रिलिंग वेल, द एक्सप्लोरेशन फील्ड टू द रिफाइनरी. क्लियर? अब बेटा दीज आर द एडवांटेजेस. कैन यू जस्ट गाइस इमेजिन कि सर पाइपलाइन से रेगुलर सप्लाई आते फॉल श्योर. ऑल टेरेन कनेक्टिविटी है, आप माउंटेन्स के ऊपर भी ले कर सकते हैं, आप अंडर वाटर भी ले कर सकते हैं. राइट सर, इट प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज सर जहां पर ऑयल वेल्स है, जहां पर रिगिंग होती है, जहां पर ऑयल ड्रिल होता है, अगर सारी इंडस्ट्रीज, सारी जो इतनी भी इंडस्ट्री है, दे कम देयर दे सेट अप देयर प्लांट्स कि सर हम जो भी फ्यूल चाहिए, जो भी पेट्रोलियम चाहिए, वो हम डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे एंड देन वी विल ट्रांसपोर्ट इट ऑन आर ओन. सो बेसिकली पाइपलाइंस ने उस चीज को फैसिलिटेट किया है दैट इट हेल्प इन डीकंजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. क्लियर? एंड लास्ट इज सर दे प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. क्लियर है? नाउ बेसिकली सर हमारे पास पाइपलाइंस काफी है, लेकिन जो हम मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट की बात करें, सिग्निफिकेंट पाइपलाइंस क्या है, देन सर वी हैव ओनली 3 और वी हैव 3 main. क्लियर? शुरू करें. नाउ बेटा पहली हमारी है फ्रॉम अपर असम टू कानपुर, कानपुर रिफाइनरी. और इसमें ऑयल कहां से आता है बेटा? आपने कभी सुना हो, क्लियर, असम, जहां पर नेहरू जी एक बार इंस्पेक्शन ले गए थे. ओके ही वॉज कॉल्ड टू सी कि सर ओके आपके स्टेट ऑफ असम में हमें ऑयल वेल्स मिले हैं. क्लियर? तो सर चेक कीजिए कि ओके इट इज सफिशिएंट इनफ, इट इज कॉम्पिटिटिव इनफ कि आप इसको यूज कर सके इस तरीके से. सो अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग बेटा, अपर असम फ्रॉम डिगबोई, क्लियर, इट इज इन गुजरात, दैट थिंग जस्ट नाउ नेम इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई हेड. क्लियर है? नाउ सर अपर असम से शुरू होती है, लाइक इसका ओरिजिनेशन वहां से है, और इसका एंड पॉइंट कहाँ से बेटा? एंड पॉइंट बेटा था इसका कानपुर में, और कानपुर पहुंचते वाया गुवाहाटी, बरौनी और अलाहाबाद होते हुए. दूसरा सर सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब. क्लियर? सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब. सर जलंधर में भी ऑयल रिफाइनरीज हैं. क्लियर? इट इज ऑल्सो अ मेजर सकर और मेजर कंजप्शन एरिया, तो इसलिए एक लेवल वहाँ के लिए. और थर्ड ये जो मान लीजिए सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज हजीरा
विजयपुर जगदीशपुर. इट इज फर्स्ट क्रॉस कंट्री 1700 किलोमीटर पाइपलाइन. समझ सकते हैं सर, 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन ट्रांस कंट्री और क्रॉस कंट्री. बिकॉज आप गुजरात से चीजें शुरू करके एंड यू आर जस्ट रिलेटिंग इट टू उत्तर प्रदेश. क्लियर? तो सर मान लीजिए कि आपको पूरा एक अपना देश के गोथ्रू होने का मौका मिल गया. क्लियर है चीजें? बेसिकली व्हाट यू जस्ट हैव गाइस रिमेंबर कि सर आपको पता चले कि ओके ये कब एस्टेब्लिश हुई थी अगर यहाँ दे रखा है तो, और दूसरा सर इनकी लेंथ कितनी है. ओके इतना आप लोग कर लीजिए. ऑब्वियसली आई एम फॉर श्योर कि सर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से नहीं पूछा जाएगा. पाइपलाइन से यू कैन जस्ट कैन रिलैक्स. ठीक है सर, दीज आर द क्रूड ऑयल पाइपलाइंस, दीज आर लाइक द एलपीजी एलएनजी द प्रोडक्ट पाइपलाइंस एंड सो मच. ओके चलिए सर, दिस इज लाइक द सलाया टू जलंधर फ्रॉम अपर आसाम टू कानपुर. ओके एंड हजीरा विजयपुर टू जगदीशपुर. सर दिस इज द थिंग, यहां से बेटा हमारी हजीरा थी इन गुजरात, दिस विल लाइक द जगदीशपुर एंड इट विल इन बिटवीन द विजयपुर. क्लियर है चीजें? ऑल गुड. तो सर दिस इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया. नाउ सर पाइपलाइंस ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लीजिए अलादीन का चिराग है, दे डोंट हैव एनी डिसएडवांटेजेस. ऑब्वियसली दे डू हैव डिसएडवांटेजेस एज वेल. क्लियर? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है सर? सबसे बड़ी इनकी आप डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते इसको. क्लियर? बट यस, इनके साथ सबसे बड़ी सरदर्दी क्या कहें आप जिसको, तो सर सबसे बड़ा सरदर्द इनका है लीक डिटेक्शन. आपने पाइपलाइन ले डाउन कर दी, वेल एंड गुड, लेकिन बीच से अगर कहीं पाइपलाइन ले लीच कर रही है, ओके इट इज लीकिंग, सर बड़ा मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए, कंपनी के लिए, उस लीक को ढूंढना, उसको ठीक करना. बिकॉज मान लीजिए सर हजीरा विजयपुर जगदीशपुर. क्लियर सर? एचवीजी जो पाइपलाइन थी दैट इज लाइक द फर्स्ट क्रॉस कंट्री 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन. तो बेटा आप इमेजिन कर सकते हैं सर, आपको 1700 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा पाइपलाइन के साथ साथ चेक द लीकेज. ऑब्वियसली अब तो काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहां पर आपको सर नोट्स बांटे गए कि ओके इस नोट तक फुल प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो नाउ इट इज अ बिट इजियर, बिट क्विकर, बट ओके दिक्कत तो है सर. क्लियर? सेकंड वन इज सर इट हैज ए हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट. थर्ड इज इट हैज ए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन इट इज अंडरग्राउंड और अंडर वाटर. अगर आप ओवर द लैंड सर्फेस बिछा रहे हैं इट्स ऑल गुड, इट्स वेल एंड गुड, यू वॉन्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस. लेकिन अगर आपने अंडर वाटर या फिर अंडर लैंड आपने ये चीजें ले डाउन की है, दोनों सर यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑन मेंटेनेंस ओनली. क्लियर? और फोर्थ है सर रिजिडिटी, दे आर रिजिड इन टर्म्स ऑफ टेरेन एंड स्पेस. भाई एक पाइप को अगर ऐसे जाना है, अगर उसको ऐसे जाना है तो ऐसे जाएगा, तो आप इतने कह सकते हैं सर इस पाइप को बीच में से मोड़ देते, बिकॉज वी हैव टू टेक अ टर्न, थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस. ओके एंड इट इज यस काइंड ऑफ डिसऑर्डरेड एज वेल. बट आप ये चीज समझ सकते हैं सर, ये ओवर सरफेस, ओवर सरफेस. नाउ इट इज सर सी द थर्ड वन इज सर इट इज अंडरग्राउंड. यहां तक चीजें ले डाउन की गई है, मिट्टी निकाली गई है, पाइपलाइन बिछाई गई है, एंड देन इट विल बी ऑल कवर्ड अप. दिस वन इज सर अंडर वाटर, दिस इज ओवर द वाटर एज वेल. आप समझ सकते हैं सर सी पाइपलाइन. ओके अब बात कर ले सर वाटर वेज की. तो बेटा वाटर वेज की आपके लिए एक कह सकते हैं सर इंट्रोडक्टरी लाइन मैंने आपके लिए अरेंजमेंट कर दिया है इस चीज का. अगर आप शुरू करें, इफ एनी क्वेश्चन इज आउट फ्रॉम वाटर वेज, क्लियर, तो आप कह सकते हैं सर इट इज लाइक द ओल्ड टाइम इन मेमोरियल. क्लियर? सिंस ऑल टाइम्स इंडिया इज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज. ओके एंड स्प्रेडिंग इंडियाज कॉमर्स एंड कल्चर. सो कहने का मतलब ये सर जो सी रूट है, जो सी ट्रेड है, इट बेसिकली स्प्रेड इंडियाज कॉमर्स एंड कल्चर. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस सर? देर आर लाइक द 6 to 7 एडवांटेजेस. ऑब्वियसली देर आर 7. क्लियर? यू गाइस कैन गो थ्रू, यू गाइस कैन समन अप, रिमेंबर इट, लर्न इट, एंड यू गाइस कैन डू सो. ओके नाउ अब बात कर लेते सर डिसएडवांटेजेस की. अब अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्लियर? तो सर वाटर वेज की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? वेरी फर्स्ट, इट इज वेरी स्लो. दूसरा सर लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन मिलता आपको, क्योंकि जहां पर वाटर बॉडी है आप वहीं तक उसको ऑपरेट कर सकते हैं. और दूसरा सर वो नेविगेबल होनी चाहिए. क्लियर? तीसरा दे आर सीजनल इन नेचर. फोर्थ इट इज इजी टू मिसरूटेड, बिकॉज वहां आपके सामने कोई वो साइन बोर्ड होते नहीं है कि सर आपको यहाँ चलना है, आपको इस नहीं चलना. जस्ट इमेजिन आप एक ओपन सी में है, अगर आपने बेटा एक डिग्री भी चेंज किया अपने डायरेक्शन, अपना ट्रेवल, आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे. क्लियर? फिफ्थ इट इज सर द रिवर कोर्स चेंजेस. सिक्स्थ इज सर ऑयल स्पिल्स. जब भी वाटर बॉडीज में ऑयल स्पिल्स होते हैं देन ऑब्वियसली इट इज नॉट सुटेबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन और वाटरवेज. क्लियर? आप समझ सकते हैं सर इनलैंड वाटरवे हमारा कितना है, ओवरसीज वाटरवे कितना है, हाउ मच इट इज ट्रांसपोर्टेबल, हाउ मच इट इज नेविगेबल, एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अवर इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन. क्लियर?
सो यस सर, दीज आर लाइक द 5 और 6 वॉट एवर इज बेसिकली आपके एनसीईआरटी में इट इज मेंशन ओनली टिल हियर, NW1, NW2, NW3, क्लियर? सो बेसिकली आप मान सकते हैं सर आपको कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं आने वाली, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम, गेट इट? चलिए सर आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज लाइक द डिक्लेयर्ड वाटर वेट टर्मिनल, ठीक है सर? दीज आर ऑल द डिक्लेयर्ड थिंग्स, बेसिकली यू वॉन्ट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. इट इज लाइक द नेशनल वाटरवे नंबर 2 फ्रॉम सदिया टू धुबरी, ओके? दिस इज लाइक द थर्ड. बेटा ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, दे थिंक कि सर ओके देर इज काइंड ऑफ कैनल लाइक दिस, बट नो, बेसिकली इट इज लाइक दिस, इट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेरी साउथ ऑफ द केरला, और इसलिए इनको कहा गया है सर इट इज द वेस्टर्न वाटरवे नंबर 3 फ्रॉम पेरियार कोटापुरम टू कोल्लम और अष्टामड़ी के, ओके? आगे बढ़ते हैं सर. यस, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट वाटरवेज, आप समझ सकते हैं सर, अलाहाबाद टू हल्दिया, क्लियर? इन द टिल हियर, फ्रॉम सदिया टू डुबरी, ठीक है सर, एंड फ्रॉम द कोट्टावरम कोलावरम टू द केयर वेमनाद कैनाल, ओके? तो सर हमने रोडवेज कर लिया, हमने रेलवेज कर लिया, हमने पाइपलाइंस कर चुके हैं, नाउ वी आर ऑल्सो डन विद वाटरवेज इज वेल, ओके? अब बात करें मेजर सी पोर्ट्स की, तो आप समझ सकते हैं सर हमारे पास टोटल 12 पोर्ट है, 6 ऑन द वेस्ट कोस्ट, 6 ऑन द ईस्ट कोस्ट, ओके? यस, आप समझ सकते हैं सर, दीज आर ऑल द मेजर पोर्ट्स, दीज आर ऑल द माइनर पोर्ट्स, द स्टेट बाउंड्रीज एंड द इंटरमीडिएट, गेट इट? समझ में आ रही चीजें गाइज? आई वॉज एंजॉइंग, एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को, बोर तो नहीं हो रहे? चलिए सर शुरू करते हैं. नाउ नाउ इट्स टाइम फॉर एयरवेज. Now we have the advantages written over here. Because मैं ये चीजें इस pattern में इस तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूँ? Basically, what is my objective? What is my reason? आप जब भी इंटरनेट के ऊपर चेक करेंगे सर, ओके, lifelines of national economy, chapter important questions of 3 marks or 5 marks each. आपको पता चलेगा सर इसमें से ज्यादातर कुछ पूछने का है नहीं apart from these things. तो मान लीजिए कि सर आप अगर ये चीज कहते हैं कि सर हमारे पास waterways है, हमारे पास airways भी, हमारे पास roadways भी, railways भी. आपको ये पता होना चाहिए कि सर ओके ये किस मामले में दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक एज रखता है, इट इज ओवर देम. समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ये चीजें ख्याल रखनी पड़ेगी, आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, गेटिंग इट? ओके, नाउ एडवांटेज चल रही है पीछे, लाइक दे इज लाइक 6, देर आर 4 मोर, ओके? यस, नाउ देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेज एज वेल, क्लियर? और अभी हमने सर बेटा मींस ऑफ कम्युनिकेशन तो शुरू भी नहीं किया, वी आर ऑन द वर्ज, दैट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा एंड हो जाए. सो बेसिकली वी विल ट्राई कि जितने ज्यादा हम कवर कर सके, नहीं भी होता है डोंट वरी, वी वॉन्ट बी रशिंग टुवर्ड्स द थिंग, वी वॉन्ट बी रशिंग टुवर्ड्स द थिंग्स, क्लियर है सर? वी विल जस्ट टेक अ सीक्वल ऑफ दिस थिंग एज वेल, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, क्लियर है चीजें? यस. So sir, these are the airways, airport services were nationalized in year 1953. Nationalization का तरीका होता क्या है? मैं बताऊँ आपको, समझना चाहेंगे? तो सर मान लीजिए कि हम 5 दोस्तों ने मिलकर एक ABC कंपनी खरीदी, क्लियर? अब कंपनी के बेटा आपको पता है सर शेयर्स भी होते हैं, कंपनी के स्टॉक्स भी होते हैं, क्लियर? जो IPO ऑफर किया जाता है बेटा वो IPO स्टॉक्स के ऊपर ऑफर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सर मैंने ABC कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, ओके? जितने सर उस कंपनी ने टोटल शेयर्स रिलीज किए हैं, टोटल शेयर्स रिलीज किए, उनमें से 10 शेयर्स का जितना वोट परसेंटेज रहेगा वो वोट परसेंट मेरा होगा. आई विल बी द वन, आई विल बी द डिसीजन फैक्टर कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा, ओके? तो जब भी कोई चीज आप सुनते हैं कि सर इस चीज का नेशनलाइजेशन हो गया, आप ये मान लीजिए सर अगर उस चीज के पास 100 शेयर्स थे तो उस 100 शेयर में से 51 शेयर्स आर नाउ विद द गवर्नमेंट ओनली. तो आप कह सकते हैं सर इसमें मेजर डिसीजन टेकर, मेजर डिसीजन होल्डर कौन होगी? तो हमारी गवर्नमेंट होगी, ओके? सो सर अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में ओके वी आर हैविंग 3 to 4 थिंग्स. फर्स्ट इज सर इंडियन एयरलाइंस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, दूसरा अलायंस इंडिया. हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो सर हेलीकॉप्टर डोमेस्टिक में हमें सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड होती है अभी, पवन हंस. और बेसिकली ये चीजें जब आप श्रीनगर तरफ घूमने जाएंगे ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग अ लैंडिंग ग्राउंड ऑन द वे. आपको पता चलेगा कि यस सर यू कैन टेक द जर्नी, यू कैन टेक योर जर्नी इन दिस चॉपर एज वेल, ओके? नाउ सर देर आर सम अदर्स एज वेल, देर आर लाइक प्राइवेट शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एयरपोर्ट सर्विसेज एज वेल. इंटरनेशनल बात करें तो सर इंटरनेशनल में हमारे साथ डील करते हैं एयर इंडिया,
which officially now belongs to Tata Company, the Tata Consultations. Okay? Airline बात करें तो sir we are having 7 cities with international airports. Very first is sir Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Amritsar, Hyderabad, and the last is Kerala. Okay, Kerala is also having an important. Clear? Important? What? Sir, Kerala is also having an important international airport. That is like Thiruvananthapuram. Okay? Yes, sir. Power helicopters, yes. Helicopters, we have Pawan Hans helicopters. They provide services to ONGC for its offshore operations. Offshore, matlab, that is like the too far away from the main base, from the main headquarter. Clear? But sir, in the very same way, there are some inaccessible areas and difficult terrains. Jahan par pahunchna sach mein kaafi mushkil hai hamare liye. Okay? So yes sir, these are the things only. Got it? Chaliye. Ab sir, sawal aata hai ki why air travel or air transportation is preferred in northeastern states? Why? Sir, sabse pehle reason, wo log duniya se bilkul alag thalag kat ke base hue hain. Sabse pehli baat. Okay? Ye maan lijiye, unka dusri duniya se koi nata hai nahi, vaasta hai nahi. So sir, agar wo by land travel karte hain, obviously it will take some more time. It will waste of resources, waste of money. Isliye northeastern people, they too prefer air travel. Okay? Samajh aa rahi cheez hai? This is like the Pawan Hans helicopter site. This is like the Pawan Hans helicopter service. Aap aisa maan sakte hain. Okay? So, what I am thinking, that is apart from the international airport sites, sir, basically let's stop for here today. Let's stop here for communication. We will be discussing the communication important questions, important aspects, important thoughts. Okay, jo aapko case studies milengi, obviously one of them, the sample paper is from this chapter itself. Clear hai? So I'll be wishing all the best of you for tomorrow, for the next class. Aur hum log beta is cheez ko continue karenge, so don't lose hope, don't worry. Clear? This thing will be completed in due time, within the separated time. And you guys will be giving, you know, just a scoring full out of full marks. With this thing, ask me to, you know, just leave you guys, just give me the permission, okay? Samajh aa rahi cheeze? All good? Chali sir, shuru karte hain. Thank you so much guys for joining in. Thank you so much.